भाजपा की ओर से गुरुवार को बाड़मेर शहर में महावीर पार्क के पीछे वाहन रैली निकाली गई। वाहन रैली में भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। वाहन रैली को भाजपा जिलाध्यक्ष दिलीप पालीवाल, पूर्व नगर परिषद सभापति लूणकर्ण बोथरा और दमाराम माली ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी। रैली के माध्यम से शुक्रवार को बाड़मेर के आदर्श स्टेडियम में आयोजित होने वाली प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा में ज्यादा से ज्यादा संख्या में आने का निमंत्रण दिया। लोकसभा चुनाव में देश भर में चर्चा का विषय बनी बाड़मेर सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है। भाजपा कांग्रेस इस सीट को जीतने के लिए पूरा दमखम लगा रही है, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी दोनों दलों को रोकने के लिए युवाओं की टीम के साथ फील्ड में हैं। पीएम नरेंद्र मोदी भाजपा प्रत्याशी कैलाश चौधरी के समर्थन में शुक्रवार को आदर्श स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं। पीएम 15 सालों में छठी बार बाड़मेर आ रहे हैं। बीजेपी नेता लोगों से जनसंपर्क कर जनसभा में भीड़ जुटाने के लिए लगे हैं। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी की ओर से गुरुवार को बाड़मेर शहर में महावीर पार्क के पीछे वाहन रैली निकाली गई। वाहन रैली में भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। वाहन रैली को भाजपा जिलाध्यक्ष दिलीप पालीवाल, पूर्व नगर परिषद सभापति लूणकर्ण बोथरा व दमाराम माली ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी। रैली के माध्यम से शुक्रवार को बाड़मेर के आदर्श स्टेडियम में आयोजित होने वाली प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा में ज्यादा से ज्यादा संख्या में आने का निमंत्रण दिया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को निकाली गई वाहन रैली के माध्यम से शहर में भाजपा प्रत्याशी कैलाश चौधरी के लिए समर्थन मांगा। इसके साथ ही रैली के माध्यम से बाड़मेर शहरवासियों से शुक्रवार को आदर्श स्टेडियम में होने वाली पीएम मोदी की रैली में भाग लेने की अपील की गई। वाहन रैली में बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता वाहनों के साथ शामिल हुए।